वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रह करके भारत की अस्मिता और भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उन्हें किसी भी भारतवासी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया। अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। ये आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। जहां हम इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं, अपने पर्व और त्योहार के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रह करके भारत की अस्मिता और भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उन्हें किसी भी भारतवासी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। याद रखना, 140 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति, मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है। एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की, दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का दुस्साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके, कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। और उस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। याद करिए, 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35A को समाप्त करने की घोषणा की थी और देश की संसद की मोहर इस पे लगी थी और इसको पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया। दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया, पूरी दुनिया को लगा ये नया भारत है, ये नया भारत किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं, न झुकेगा, न डिगेगा, न हटेगा, बल्कि अपने राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार होगा और हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी कड़े से कड़े, कठिन से कठिन कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको उठाने में हिचकेगा नहीं। और यह कदम एक भारत, मजबूत भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का कदम था। जब कश्मीर में कांग्रेस के समय में संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नचाने के बावजूद धारा 370 और 35A जोड़ करके आतंकवाद का गढ़ भारत को बनाने की कुछ चेष्टा 1952 में की गई थी और यह प्रावधान था कि यह अस्थाई प्रावधान होगा, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई देश के हित में और धारा 370 समाप्त हुई।